वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। अब शिया धर्मगुरु और मजलिस उलेमा ए हिंद के महासचिव मौलाना सैयद कलवे जवाद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वो विधेयक के तथ्यों से लोगों को अवगत कराने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करेंगे। सैयद कलवे जवाद ने आरोप लगाया कि सरकार ये विधेयक इसलिए लाई है ताकि वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया जा सके। जी ये एहतजाज की शुरुआत है और इंशाल्लाह बहुत ही अजीम बड़े बड़े एहतजाज होंगे अगर ये वापस नहीं लिया गया इसके बहुत, क्योंकि ये सिर्फ नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया कि सारे वक्फ खत्म हो जाए, सारे वक्फ खत्म हो जाए। और धुंधु भाइयों को धोखा दिया जाता है, पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है कि साहब हिंदू की ज़मीनों पर कब्जा करके वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है, मंदिरों की ज़मीनों पर कब्जा करके वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है। मैंने कहा शिया वक़ाफ़ के सिलसिले में हम ऐलान करते हैं यहाँ से इस इमामबाड़े से कि एक इंच के भी साबित कर दिया जाए कि एक इंच किसी हिंदू भाई की ज़मीन, किसी सिख भाई की ज़मीन, किसी जैन भाई, किसी बौद्ध भाई की एक इंच ज़मीन भी अगर वक्फ बोर्ड में दाजा तरीक पर अगर शामिल हुई है तो मैं आपका पूरा मूवमेंट वापस ले लूँगा, पूरा मूवमेंट वापस ले। यहाँ उल्टा है, हमारी ज़मीन पकड़ने हैं। कल्याण सिंह साहब ने वहाँ अहमदाबाद हुसैन साहब की करबला की जमीन के ऊपर अस्पताल बनाया और वहां भी एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। आज देखिए हुसैनाबाद की जमीन पर कितने मंदिर बन गए हैं, यहाँ पे जाके देख लीजिएगा, सब हुसैनाबाद की जमीन है, वक्फ की जमीन है, सब मंदिर बने हुए हैं। इसका मतलब मामला उल्टा है और जब हम इंतजार करते हैं तो हिंदू मुस्लिम राइट की धमकी दी जाती है हमें। ज्वाइंट नहीं है वो बिल्कुल, उसमें मेजोरिटी जो है बीजेपी वालों की है, 21 है उसमें, 21 में 9 जो है दूसरी पार्टियों के, 12 बीजेपी के हैं। उसमें कहा कि एक वोट भी अगर ज्यादा हो गया तो पास हो जाएगा वो, तो वहां 3 वोट ज्यादा है उनके तो पास तो हो ही जाएगा वो, धोखा है वो भी। जीपीसी भी धोखा दिया जा रहा है उसमें, धोखा टोटल धोखा जीपीसी भी। बिल्कुल भरोसा नहीं उनको, क्योंकि मेजोरिटी बीजेपी की है, उसमें बराबर का रखना चाहिए था उनको, बराबर का रखना चाहिए था कि जितने अपोजिशन वाले हैं उतने बीजेपी के, उन्होंने अपनी मेजोरिटी रख दी है तो अब कैसे इंसाफ की उम्मीद करें उनसे। और अंबानी, अरे सारी शौजियत अंबानी को बचाने का है, उसने बंबई में अंबानी ने यतीम खाने की, अनाथालय की और फ्रेज की जमीन 44,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर अपनी सबसे बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है, सबसे बड़ी खूबसूरत बनाई है। लिहाजा उसको भी बचाने की फिक्र है कि हमारे कब्जे में आ जाए, अंबानी जी भी बच जाए, कि जो हुकूमत चला रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात होती रहती है, ये मुद्दा जब इतना गंभीर है तो क्या आने वाले समय में? हम बिल्कुल, हम उससे भी मुलाकात करेंगे और हमने टाइम मांगा है, राजनाथ साहब से भी मांगा है, अमित शाह जी से भी मांगा है, उससे भी मांगा है, सबसे टाइम मांगा है। और ख़ास तौर से जो हमने टाइम मांगा है नीतीश जी से मांगा है और नायडू जी से मांगा है, क्योंकि अगर इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो ये 2000 हमारे साथ दे देंगे तो ये बिल पास नहीं होगा। लिहाजा हम बिहार के मुसलमानों से भी कहते हैं कि वो भी दबाव डालें नीतीश जी पर, और तेलंगाना वहाँ के या आंध्रा के मुसलमानों से हम कहेंगे उन पर दबाव डालें कि वो इस बिल को पास न होने दें, ये मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी और सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी इस हुकूमत के जरिए से। और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की है, सुन लो, कांग्रेस ने शुरुआत की है वक्फ पर कब्जा करने की। आज जहाँ इंदिरा भवन बना हुआ है, आज जहाँ जवाहर भवन बना है, ये वक्फ मीर आगा की जमीन है, इस पर कब्जा किया है कांग्रेस ने। और जहाँ देखो 123 औकाफ जो गज़ब किए हैं वो कांग्रेस ने गज़ब किए थे, कांग्रेस लिए थे, जिसमें शाह मद्दा भी शामिल है, जिसमें इमामिया हाल भी शामिल है, बड़ी बड़ी मस्जिदें शामिल हैं, कि जिसको कांग्रेस ने अपने कब्जे में लिया था, कहा था ये वक्फ नहीं है। उसके बाद वक्फ बोर्ड को किराए पर दिया गया है तमाम इन तमाम जमीनों को, देखिए तो बदमाशी। वक्फ बोर्ड के जो पावर्स हैं वो भी आपको लगता है खत्म हो जाएंगे? वो भी तो पूरा नहीं, बिल्कुल उसको बिल्कुल कर दिया है, मैं मिट्टी का माधु करके रख दिया, उसमें कोई पावर नहीं। देखिए हम कहते हैं साहब बेईमानी हो रही है, तो इस पर हमने कहा कि आप 100 ऑडिटर बना दीजिए वहाँ के लिए, जांच के लिए 100 ऑडिटर बना दीजिए, मैं कोई ऐसा कानून नहीं कबूल करेंगे जिससे वक्फ खत्म हो जाए। आप बेईमानी हो रही है, 100 ऑडिटर बनाइए, जाके ऑडिट करें, अगर बेईमानी हो रही है तो सबको सजा दीजिए। बीमारी के हम हक में नहीं है, औकाफ के खत्म करने के हक में हम है कि वो खत्म ना होने पाए, हम चाहते हैं वो बचा लिया जाए, वो औकाफ खत्म ना होने पाए, इसके हम हक में है।